हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GTA 6 के ट्रेलर के बारे में। भाई क्या फाड़ू ट्रेलर बना है रॉकस्टार कंपनी ने GTA 6 का। सबसे पहले भाई ट्रेलर को देखते ही वो दिमाग में चीज आती है, वो है भाई गैंगस्टर वाली वाइब। भाई रॉकस्टार कंपनी ट्रेलर बनाए, GTA गेम का ट्रेलर बनाया और उसके अंदर गैंगस्टर वाइब ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई क्या जबरदस्त गैंगस्टर वाली वाइब आती है उसके अंदर। भाई पहली बार लेडी कैरेक्टर रूसिया का यूज किया, भाई क्या फाड़ू और दबंग कैरेक्टर लग रहा है मेरे को। तो वो मेरा पर्सनली गेम खेलने का मन हो गया भाई ट्रेलर को देखते हुए, लेकिन अभी इस गेम को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी हम गेम के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। उस ऊपर से भाई गन के मैकेनिज्म के ऊपर रॉकस्टार ने बोला था कि भाई हम अपने गेम के जो गन्स के मैकेनिज्म हैं उसके मतलब साउंड, उसका मतलब चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के बराबर करना चाहते हैं, उससे भी बेहतर मैकेनिज्म करना चाहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है भाई गेम की ग्राफिक्स। भाई ट्रेलर के अंदर क्या फाड़ू ग्राफिक बनाया है भाई रॉकस्टार कंपनी ने, क्या फाड़ू ट्रेलर बनाया। उसके हिसाब से जितने ग्राफिक मतलब ट्रेलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं भाई, उससे कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त गेम के अंदर होने वाले हैं। और ये तो फर्स्ट ट्रेलर था, इसके बाकी के ट्रेलर आएंगे तो उसमें भाई और भी इम्प्रूव करके चीज़ों को दिखाया जाएगा। तो जिस हिसाब की मतलब रॉकस्टार कंपनी जो ट्रेलर में चीज़ दिखा रही है वो चीज़ें गेम में होने वाली है, क्योंकि ऐसा कोई रिस्क नहीं है, रॉकस्टार नहीं लेना चाहता है जो चीज़ें वो ट्रेलर में दिखाएं और असल में गेम में ना हो। और इसे बनने में भाई 10 साल से भी ऊपर का टाइम लगा है। इसके अंदर जो चीज़ें दिखाई हैं ट्रेलर में वो सब 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 कुछ होने वाला है। और वो है भाई आगे जो चीज़ मुझे दिखी भाई वो गेम का एनवायरनमेंट, यानी ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, पहाड़, जंगल, सिटी, बीचेस, यानी इस हिसाब से जो मैप होने वाला है वो गेम का बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, बड़ा मैप, और इसका मतलब है चांसेस हैं कि बड़ी स्टोरी। तो गेम का गेम प्ले टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है इस ट्रेलर के हिसाब से जो देखकर मुझे लगता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, शायद थोड़ा कम भी हो स्टोरी टाइम, लेकिन भाई रॉकस्टार इसका टाइम ज़्यादा करने वाला है, क्योंकि GTA 5 की आप स्टोरी नोटिस करोगे तो काफ़ी छोटी है। तो लेकिन RDR2 की आप अभी हाल में लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ था उसकी स्टोरी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन अभी जो GTA 6 आ रहा है उसमें काफ़ी टाइम लिया है रॉकस्टार ने, और टाइम लेने के हिसाब से मतलब मुझे लगता है कि इसमें और भी बेटर वर्क कर रहा है रॉकस्टार, इसको और भी बेहतर बना रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है NPC, यानी बहुत सारे करेक्टर एक साथ दिखाना, और हर करेक्टर का अपना अलग अलग तरीके से उसमें काम कर रहा है ट्रेलर में जिस हिसाब से दिखाया गया है वो चीज़ बहुत अलग अलग मुझे, मतलब भाई हर एक करेक्टर का अपना एक अलग लाइफ है, वो इन्जॉय कर रहा है गेम के अंदर, और हम अगर उनके साथ जिस तरीके का बिहेव करेंगे हर एक किसी का अपना एक अलग रिएक्शन होगा, मुझे ट्रेलर को देखकर ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद भाई क्रेज़ी चीज़ें जो भाई ट्रेलर के अंदर क्रेज़ी चीज़ें डाली हैं, जो लोग बिहेव कर रहे हैं भाई वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी फनी भी था, वो एक रियल लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जगहें हैं वो मैप के अंदर डाली गई हैं। उसके बाद है भाई सोशल मीडिया का इसमें एक मेजर पार्ट था ट्रेलर में, जिसमें आपको फेसबुक, टिकटॉक और इनकी पैरोडी दिखाई गई है। उसमें भाई आप देख सकते हो कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग के साथ नीचे लाइव कमेंट चल रहे हैं, वो बहुत ही एडवांस चीज़ पर चीज़ है जिसे लेकर आया है रॉकस्टार। इवन मुझे नहीं लगता है इतनी एडवांस चीज़ बाकी के अभी किसी एक या दो गेम में ही होगी, बाकी इतनी आगे की चीज़ भाई और कोई नहीं लेके आया, रॉकस्टार लेके आया है। कि भाई रॉकस्टार जो कुछ भी लेके आता है भाई टाइम लेने के बाद भाई उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता इतनी आसानी से। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वाटर पोर्शन, यानी गेम के ट्रेलर में हमने बहुत सारी जगहें देखी है जिसमें हमें वाटर का एक मेजर पार्ट दिखाया गया है और वाइल्ड लाइफ दिखाई गई है, मतलब इसमें नेचर एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट होने वाला है गेम के अंदर। आप जैसे देख सकते हो बारिश हो रही है, नाइट है, यानी नेचर काफ़ी ज़्यादा डिटेल बनाया है इन लोगों ने। तो गाइज आपने ये ट्रेलर देखने के बाद ये सभी चीज़ें नोटिस की थी या नहीं की थी आप नीचे कमेंट करके बताना, और ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।